हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, ऐसे में मार्केट में मिठाइयों में बहुत मिलावट होती है। तो आप घर पर मिठाई बनाएं, पर घर पे मिठाई बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फेस्टिवल के टाइम पर तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो ऐसे में आप ये मिठाई ट्राई कर सकती हैं बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल आसानी से। पहली बार में ही आपकी ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको किसी भी स्पेशल की जरूरत नहीं होगी। आपके किचन में आसानी से मिलने वाले सामानों से बनकर तैयार हो जाती है और यकीन मानिए, इतनी टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली होती है ना कि कोई भी खाएगा तो यकीन नहीं करेगा कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, मिठाई बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज चाहिए, वो है मूंगफली। और आप सबको पता है कि मूंगफली सबके किचन में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर हम ये 2 कप मूंगफली ले लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छा, मूंगफली भूनते समय आपको ध्यान रखना है कि मूंगफली में बिल्कुल भी रेड स्पॉट ना पड़े। तो उसे आप लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही भूने। और हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो क्या होगा कि मूंगफली के ऊपर रेड स्पॉट पड़ जाएंगे, जिससे कि आपकी मिठाई का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंगफली अच्छे से भून चुकी है और देखिए सारे छिलके अलग हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसके छिलके हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मूंगफली के सारे छिलके हटा लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसे हम पीस लेंगे। तो पीसने के लिए आपने मोस्टली रेसिपीज में मूंगफली वाली देखा होगा कि वो इसे सूखा पीसना बताते हैं, बट मैं सूखे पीसने के लिए इसे नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि सूखा पीसने में क्या दिक्कत होती है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे बिल्कुल महीन सा पीस लीजिए। और ये देखिए, बिल्कुल इसका एक बारीक सा पेस्ट बन गया है, देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक पीसना है तो आप दूध या पानी का यूज करके जब इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सा इसका एक पेस्ट बन जाएगा। बिल्कुल भी मूंगफली के चंक्स इसमें नहीं मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है ये मूंगफली वाला पेस्ट। और जो दूसरी मूंगफली बची है उसे भी मैं पीस कर इसमें ये देखिए मिक्स कर दूंगी, ये देख सकते हैं। और लास्ट में जो थोड़ा सा जार में देखिए मूंगफली लगी हुई है, तो देखिए 1 ग्लास दूध लगा है इतना मूंगफली पीसने के लिए। 2 कप मूंगफली पीसने के लिए 1 ग्लास दूध लगा है, थोड़ा सा बचा था। तो 2 कप मूंगफली पीसने के लिए आपको 1 कप दूध लगेगा। और देखिए जो जार में लगा था मैंने उसे भी धुलकर डाल दिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। 2 कप मूंगफली के लिए 1 कप चीनी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। और चीनी डालने के बाद जब चीनी थोड़ी सी मेल्ट होगी तो ये देखिए थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। और इसे अब हम लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने भी आपको बताया कि आपको मूंगफली में दूध या पानी डालकर पीसना है। उसका ये रीज़न है फ्रेंड्स कि हम लोग जो घरेलू यूज़ के लिए मिक्सर यूज़ करते हैं वो उतनी ज़्यादा हाई पावर का नहीं होता है। तो हम मूंगफली को सूखा पल्स मोड पर भी पीसते हैं तो वो उसमें या तो चंक्स रह जाते हैं मूंगफली के, या फिर वो ऑयल रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से मूंगफली अच्छे से महीन नहीं हो पाती है। और जो लोग बताते हैं, जो शेफ़ वगैरह बताते हैं, तो उनके पास बहुत हाई पावर की मिक्सर होती है जिसकी वजह से मूंगफली को वो अच्छे से पीस लेते हैं। तो मैंने इसे ट्राई किया पल्स मोड पर पीसने का, पर मूंगफली बिल्कुल अच्छे से महीन नहीं हो पाई थी, उसमें मूंगफली के चंक्स रह गए थे। तो मैंने दोबारा इसे दूध डालकर ट्राई किया, बहुत अच्छे से पीस गई थी। और यकीन मानिए, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मूंगफली की मिठाई है, सब काजू का टेस्ट इसमें आ रहा था। तो आप इस तरीके से पीसिएगा। अगर आपके पास हाई पावर का मिक्सर है तो आप सूखा भी पीस सकते हैं, बट अगर हाई पावर का नॉर्मली घरेलू यूजों के लिए किसी के पास हाई पावर का नहीं होता है तो आप इसे थोड़ा सा दूध डालकर पीसिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसे पकाया और आप देख सकते हैं कि गाढ़ा हो गया है। और इसके बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें घी भी ऐड किया है। और इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे या जब तक कि ये बिल्कुल पैन ना छोड़ने लगे, उस स्टेज तक हमें इसे पकाना है। आप थोड़ा सा इसे चेक भी कर सकते हैं, 1 चम्मच में ले लें, साइड में रख दें, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसकी गोली बनाकर देख लें। अगर गोली बन रही है तो इसका मतलब कि आपका पेस्ट जो है तैयार है मिठाई बनाने के लिए। अगर नहीं बन रही है तो आप इसे थोड़ा सा और पका लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये अच्छे से बन रही है, क्योंकि मैंने इसे ठंडा होने के लिए रखा था।
तो उतनी देर और इसे पकाया तब तक में ये अच्छे से पक गया होगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये पैन भी रिलीज कर रहा है। देखिए कैसे एकदम पैन को सेपरेट कर रहा है, देख सकते हैं, ये भी इसकी एक निशानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरीके से एक पॉलीथीन पर हम इसे निकाल लेंगे। पॉलीथीन पर हम थोड़ा सा घी ग्रीस कर देंगे। वैसे घी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा सा लगा लीजिए जिससे इसमें थोड़ी सी शाइन भी आ जाए अच्छी सी। उसके बाद हम इसे इस तरीके से देखिए रोल कर लेंगे, ये देखिए, और आप देख सकते हैं बिल्कुल शाइन, बहुत अच्छी सी इसमें शाइन आई है। और अब हम इसके चार पार्ट कर लेंगे और तीन पार्ट को अलग कर देंगे और एक पार्ट से मैं आपको अभी बताऊंगी। और आप चाहें तो इस डो से आप किसी भी तरीके की मिठाई बना सकते हैं, आप पेड़ा बना सकते हैं, आप बर्फी की शेप इसे दे सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको जैसा पसंद है आप वैसा कर लें। फिर देखिए मैंने एक डो जो मैंने अभी निकाला था, चार पार्ट किया था, उसका भी मैंने आधा कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे। तो यहाँ पर हम मूंगफली के रोल बना रहे हैं, तो मैं इसे इस तरीके से रोल कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से रोल कर लिया है और इसे फिर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए जितने बड़े छोटे आपको रोल चाहिए वैसे आप बना लें। और थोड़ा सा ये देखिए ऐसे इस तरीके से रोल करके साइड में इस तरीके से कर देंगे, जिससे कि ये साइड से भी इसकी शेप अच्छी सी हो जाए। ये देखिए, ये देखिए हाथों से इसके साइड्स को थोड़ा सा हम मेंटेन कर देंगे, इसकी शेप को थोड़ा सा हाथों से मेंटेन कर देंगे। और आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से हाथों से भी रोल कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा डो लीजिए हाथ में, उसके बाद इसे इस तरीके से ये देखिए रोल कर दीजिए। ये देखिए, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जैसे आपको बनाने में सही लग रहा हो आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं, या फिर कोई भी शेप दे सकते हैं, पेड़े की, बर्फी की, कोई भी शेप आप इसे दे दीजिए। और ये देखिए घर पर ही बिल्कुल बाजार वाली मिठाई बनकर तैयार हो गई है। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली होती है। और आपने देखा कि बनाना कितना आसान है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।